الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين نبي الصلاة صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم درود شریف پڑھیے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلام يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حضرات کسی مجبوری کے بنیاد پہ میں پہلے بیٹھ گیا اور انشاءاللہ میرے بعد حضرت مفتی صاحب کی تقریر بھرپور ہوگی اور حضرت علامہ مشیر خان صاحب کی بھی تقریر انشاءاللہ ہوگی سب کی ہوگی لیکن کسی وجہ سے میں پہلے بیٹھ گیا آج ہم اور آپ حافظ مشتاق صاحب کے والد جناب عبداللہ مرحوم کی دعائے مغفرت کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کروٹ کروٹ اللہ انہیں جنت نصیب کرے اور اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے دیکھیے موت سے کسی کو بچنا نہیں آپ بھی جانتے ہم بھی جانتے ہیں لیکن موت کیسی آنی چاہیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو تم اللہ کو ڈرو حق تقاتہ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون اور ہرگز ہرگز تم نہ مرو مگر مسلمان ہو کر کے مرنا تو وہی ہے تو اللہ فرماتا ہے جب مرنا ہے تو مسلمان بن کے مرو دنیا سے جاؤ مسلمان بن کے جاؤ مرو گے تو ہے یہ لیکن مسلمان بن کے جاؤ گے تو ہر ہر منزل آپ کے لیے آسان ہو جائے آج کوئی مرنے والا مرتا ہے تو ہم لوگ روتے ہیں سب لوگ روتے ہیں چاہے پڑھا لکھا چاہے غیر پڑھا لکھا ہو رونا پڑتا ہی ہے رونا پڑتا ہی ہے لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
सब्र देते हैं, फरमाते हैं आंखें रो रो के सुजाने वाले, आंखें रो रो के सुजाने वाले, आंखें रो रो के सुजाने वाले, हो जाने वाले आने वाले, आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। किसी को आना नहीं, इसलिए हमें जदा कर रहा है। अल्लाह हमारे हाजी साहब की उम्र बढ़ाए, माशाल्लाह बहुत दिन से इनसे ताल्लुकात हैं और हमेशा मोहब्बत करते हैं, सब लोग करते हैं, अल्लाह सबको इसका सिला अता फरमाए। मरना बढ़ा था लेकिन कब्र ऐसी अंधेरी कोठरी है कि हम देखते हैं और हमें एहसास नहीं। हजरत उमर फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा हैं, वो रोया करते थे और रो रो करके बारगाह मौला में दुआ किया करते थे कि या अल्लाह तू मुझे इंसान न बनाता, दुनिया का कोई तिनका बना देता ताकि मैं हिसाबे कब्र से बच जाता। ये कौन कह रहा है? वो उमर फारूक आदम कह रहे हैं कि हुजूर फरमाते लौ काना बादी नबीयुन लकाना उमर बिनुल खत्ताब, कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता, मैं तो आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, लेकिन अगर मेरे बाद भी कोई नबी होता तो अल्लाह ताला उमर फारूक आदम को नबी बनाता। इतना बड़ा दर्जा। एक रवायत में उधर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हर नबी की उम्मत में एक मुहद्दिस को पैदा फरमाया है और मेरे उम्मत के मुहद्दिस उमर फारूक आदम है। आज हम लोग तो बहुत से लोगों को मुहद्दिस कह देते, लेकिन इस उम्मत में मुहद्दिस होने की खुसूसियत अगर हासिल है तो हजरत सैयदना उमर फारूक आदम को हासिल है। यहाँ तक की रवायतों में आता है कि एक मर्तबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीबी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा के रान पे सर रख के लेटे थे। रात का वक्त था, आसमान पे तारे जगमगा रहे थे। हजरत आयशा ने पूछा था, अल्लाह के रसूल, आसमान में जितने तारे हैं क्या इतनी नेकियां भी किसी के पास है? तो हुजूर ने फरमाया था, हाँ उतनी नेकियां उमर फारूक आदम के पास है। आसमान में तारे कितने किसी को पता नहीं, सिर्फ रसूल करीम को पता है। और उतनी नेकियां उमर के पास है। ऐ मेरे दीनी भाइयों, गौर करो, जिस उम्र की नेकियों की गवाही रसूल करीम दे दें उसके नेकियों का आलम कितना बुलंद होगा। लेकिन इतनी नेकियों के बावजूद हजरत उमर फारूक आदम रोया करते थे, कहा करते थे, अल्लाह तो मुझे इंसान न बनाता,
दुनिया का कोई तिनका बना देता ताकि मैं हिसाबे कब्र से बच जाता। बहुत कठिन मंजिल है कब्र, बहुत कठिन मंजिल है। नबी करीम के तीसरे खलीफा और डबल दामाद हजरत उस्मान गनी है, जिनके बारे में इतना काफी है सुन लो। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में लेटे थे और लुंगी उठी हुई थी, पिंडलियां खुली थी, घुटना नहीं खुला था, इसलिए कि घुटने का खोलना हराम है। आज बहुत से हमारे नौजवान जांघिया पहने रहते, चड्डी पहने रहते, चड्डी पहनकर बाहर नहाना मना है, जहां लोगों की निगाहें पड़ती हैं। ये खोलना यहाँ से मर्द की सत्र नाप से लेकर के घुटने के नीचे तक, इसका खुलना हराम है, हराम, न खोला करो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे थे, लुंगी उठी हुई थी, इतने में हजरत उमर फारूक हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु मिलने के लिए गए, तो हुजूर लेटे रहे, हजरत अबू बकर बैठे, बातचीत होती रही। थोड़ी देर बाद हजरत उमर फारूक आदम रजी अल्लाह तआला अन्हु भी मिलने के लिए गए, तो भी बैठे रहे, हुजूर ऐसे लेटे रहे और पिंडलियां सरकार की खुली रही। थोड़ी देर बाद हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु गए, जब उस्मान गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के बैठ गए और अपनी पिंडलियों को छुपा लिया, बैठ गए। तो हजरत आयशा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, मेरे अब्बा अबू बकर आए तो आप ऐसे लेते रहे, हजरत उमर आए तो आप ऐसे लेते रहे, और उस्मान आए तो आप उठ के बैठ गए। तो हुजूर फरमाते हैं, मैं उस्मान से हया करता हूँ क्योंकि उस्मान से जन्नत के फरिश्ते हया करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। फरमाते मैं उस्मान से हया क्यों ना करूँ, उस्मान से तो जन्नत के फरिश्ते हया करते हैं। इतना बड़ा दर्जा उस्मान गनी, जिनसे फरिश्ते शर्माएं, अल्लाह के रसूल शर्म करें। वो उस्मान जब कब्रस्तान जाते थे तो रोते थे, इतना रोते थे, इतना रोते थे। हदीस में तल्ला लहियत हो, हजरत उस्मान गनी की दाढ़ी भीग जाती थी आंसू से। लोगों ने पूछा, तस्कुरुल जन्नत वला तबके, ऐ उस्मान तुम जन्नत का बयान करते हो, रोते नहीं हो। वतस्कुरुन नार वला तबके, और ऐ उस्मान जहन्नम का भी बयान करते हो, रोते नहीं हो, लेकिन जब कब्र को देखते हो तो रोते हो, ऐसा क्यों? तो हजरत उस्मान कहते हैं, मैं कब्र को देख कर क्यों न रोऊं? मेरे पैगंबर ने फरमाया है, अल कब्र अव्वल मंजिल मिन मनाजिल आखिरा, इसलिए कि कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सबसे पहली मंजिल है। मेरे पैगंबर फरमाते, जो मुसलमान पहली मंजिल में कामयाब हो गया, वो आखिरत के सारे मंजिलों से कामयाब होता चला जाएगा। इसलिए लोगों, कब्र को याद करो। कब्र बड़ी कठिन मंजिल है। आला हजरत इतने बड़े मुहद्दिस गुजरे, इतने बड़े आलिम गुजरे, लेकिन वो भी कब्र को जब याद करते थे तो अपने पैगंबर की बारगाह में फरियाद करते थे, कहा करते थे, या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पयंबर, ये सख्त मुश्किल जवाब में है, बता दो आकर मेरे पयंबर, ये सख्त मुश्किल जवाब में है। लेकिन आज हम लोगों के दिल बहुत ठीक हो गए, बहुत ठीक हो गए। लोग बताते हैं, एक बुढ़ा था, मरने का वक्त आया तो उसके लड़का उसका घेर के बैठे,
अब भाई बात अब बहू बात तो बुढ़वा कहा थे भैया जब हम बचबे ना कहीं तब अकबर तो कहीं जब हम मर जेबे ना तो हमका पुरान कपड़ा मा कफन दियो नवा कपड़ा ना लाया तो कहीं अब यू कहाँ है सकते हो तुम्हारे लिए खेत के लिए दुकान बनवा घर बनवा मर जाइए तो हम कफन पुरान देवे गांव वाले रिश्तेदार कहा कहीं है अब्बा तो बड़ोबा कहा था गांव वाले चक्कर में पड़ के हम का फंसाए दे रहे तुम लोग कहीं कहा है अब्बा कहने रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखे मुनकर नके जब हिसाब ले आई है देखिए कफन पुरान तो कहे ये तो बहुत पहले मर चुका है हिसाब हो गए छोड़ो तो छोड़ छाड़ चले जाए हैं और नवा कफन में लपेट के रखियो जुड़ते जुट गई है कि न जुटी है रे ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा पड़े हैं इस जिंदगी भर तो दलाली पर करवे की ने मरे बादो सोचा था कि हो दलाली करके निकल जाए लेकिन कब्र बहुत कठिन मन बहुत कठिन मन सुना है मैंने माशाल्लाह कि हुजूर बाबा बाबा हुजूर बिछिया वाले सुना है आप लोगों ने जी कि उनको कब्र से निकाला गया तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी लाश सलामत है ये अल्लाह वालों की पहचान है। बहरहाल मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि दुनिया से जाओ तो मुसलमान बन के जाओ इसलिए अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करके जाओ कब्र में कोई काम नहीं आएगा अगर कब्र में कोई आएगा तो अल्लाह के रसूल ही काम आएगा मोहब्बत रसूल काम आएगी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के कब्र में लहराएंगे ताहश्र यानी कयामत कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के कब्र में लहराएंगे हश्र चश्मे नूर के और जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। जंगे उहुद में हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अमीर हमदा शहीद हुए तो हजरत हमदा के शहादत के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अमीर हमदा का तीजा भी किया चालीसवां भी किया बरसी भी किया पता चला कि कोई जाने वाला जाए तो उसका हम तीजा भी करें चालीसवां करें मेरे नबी की सुन्नत है। मौत आनी आनी है लेकिन अल्लाह वालों की मौत एक इबरत होती है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक पैगंबर गुजरे हैं बैतुल मुकद्दस जो आज फिलिस्तीन में है उसकी बुनियाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने रखी इतनी बड़ी मस्जिद है इतनी बरकत वाली
कि उसमें कोई एक नेकी करे तो 50,000 नेकी का सवाब पाता है। उसकी बुनियाद किसने रखी? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने। और बना रहे थे, मुकम्मल ना हो पाए कि हजरत दाऊद का इंतकाल हो गया, मौत आ गई। जब हजरत दाऊद का इंतकाल हो गया तो उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोचा कि किस अरमान और किस नेस से मेरे बाप ने मस्जिद बैतुल मुकद्दस की बुनियाद रखी थी लेकिन जिंदगी ने साथ न दिया, मेरे बाप का अरमान पूरा न हुआ, मैं उनकी औलाद हूँ, मैं अपने बाप की अरमान पूरा करूंगा ताकि मेरे बाप की रूह उनसे खुश हो जाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मस्जिद बैतुल मुकद्दस को बनाने में लग गए कि ताकि ये बन जाए तो मेरे बाप की रूह कब्र में सुकून में हो जाएगी, बनाने लगे। लेकिन वो बादशाह थे जिन्नातों के भी, हवा के भी, चरिंद परिंद के भी, अल्लाह ताला ने उनको पूरी दुनिया की बादशाहत अता फरमाई, पूरी दुनिया की बादशाहत है। तो जिन्नातों को हुक्म दिया तो जिन्नात सब बना रहे थे बड़े बड़े पत्थर ला ला करके और डंडा लिए खड़े थे सोटा लिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। जिन्नात बना रहे थे, मस्जिद बैतुल मुकद्दस बन रही थी, यहाँ तक कि बनते बनते मुकम्मल न हुई और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भी मलकुल मौत आ गया। मरना बरहा थे सबको, बैतुल मुकद्दस मुकम्मल न हुई, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी मौत आई। एक साल बाकी था कि एक साल जिंदगी और मिल जाती तो बैतुल मुकद्दस मुकम्मल हो जाता, लेकिन एक साल बाकी था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह निकल गई। लेकिन शान देखो अंबिया की रूह निकल गई लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐसे खड़े रहे। वक्त पर रूह निकलना है,